अगर लास्ट फोर वर्ल्ड कप्स का आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो अब तक साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जितने भी ओपनिंग मैचेस हुए हैं उन सब में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है। मतलब कि न्यूजीलैंड की जो पोजीशन है वो हमेशा से स्ट्रांग रही है 2003 से 2015 के अगर वर्ल्ड कप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मतलब कि साउथ अफ्रीका बेचारों के साथ एक बड़ी बैडलक होती है, वो बेचारे मतलब 99 से आप देखें हर मतलब वर्ल्ड कप के अंदर इतना अच्छा वो फाइट करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, सब ने आईपीएल भी खेला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बैडलक है, बेचारे मैच हार जाते हैं और वो सेमीफाइनल तक नहीं जो है ना वो पहुंच पाते हैं। ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ना वो बैडलक है। अफ्रीका के लिए ये एक मस्ट विनिंग मैच है अगर साउथ अफ्रीका टॉप फोर की रेस में आना चाहता है तो। और बहुत हालांकि प्लेयर्स देखें आप, डुप्लेसिस हैं, मरकराम है, हाशिम आमला है, इसी तरह उनके पास डेविड मिलर है, ठीक है, वॉन्डर डॉसन है, फिर बॉलर्स में आप देखें नगीडी है आज भी खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इमरान ताहिर है, कगिसो रबादा है, क्रिस मॉरिस है। ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को आप देखें न्यूजीलैंड जो ना हर मैच एक बड़ी फुल पैशन एनर्जी और जो है ना आप कह लें कि एक बड़ी स्पिरिट के साथ जो है ना वो ग्राउंड में उतरती हैं और मतलब उनकी होती है कि बस आ गए हैं तो आ गए और छा गए, ये वाली जो जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबरदस्त है। न्यूजीलैंड का आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें तो वो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की निस्बत काफी स्ट्रांग है, जैसे ट्रेंट बोल्ट को आप देखें, जेम्स निशम को आप देखें, ठीक है, फर्गोसन है, मतलब ग्रैंड होमे है, सेंटनर है, मतलब इतने अच्छे अच्छे उनके पास जो है ना वो प्लेयर्स हैं और वो एट द एंड पे लोअर ऑर्डर में जाके वो बैटिंग भी कर लेते हैं, हिटिंग भी करना जानते हैं, और टॉप ऑर्डर है उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है रॉस टेलर है, ठीक है, मार्टिन गुप्टिल है, ठीक है, आप देखें फिर केन विलियमसन है, उनकी आप एवरेज देखें कितनी है, फिर उनके बाद टॉम लेथम है, मतलब ओवरऑल न्यूजीलैंड की इस टाइम बहुत परफेक्ट टीम है और ये सारे जानते हैं कि टॉप फोर में न्यूजीलैंड को लोग देख रहे हैं। तो आज के मैच में भी मुझे न्यूजीलैंड हॉट फेवरेट लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो मैच विन कर जाएगा, 60% जो है ना वो न्यूजीलैंड के हक में मैच है और 40% साउथ अफ्रीका के हक में है, बशर्ते कि अगर बारिश का जो है ना मतलब के बारिश अगर मतलब जो है ज्यादा ना हो, बारिश ना ही हो बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि आईसीसी ने इस दफा इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप रखा है और मौसम भी ऐसा है बारिशों वाला है, मतलब इवन के धूप भी निकली हुई हो तो क्लाउडी वेदर आ जाता है, बारिश हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। अभी तक तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जो है ना वो बारिश आप कह सकते हैं कि वो मतलब होगी, लेकिन एक घंटे तक होगी, लेकिन ओवरऑल न्यूजीलैंड है ना वो इसमें कम बैक करेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी जो है ना वो अंडर प्रेशर में है। तो कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड आज का मैच विन करेगा या साउथ अफ्रीका विन करेगा, और आपकी फेवर्स किस टीम के लिए है और कौन सी टीम को विन करना चाहिए, ये मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि रिसेंट वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।